भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अम्बाला पहुंचे। जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद अनिल जैन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और अम्बाला शहर विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। नड्डा आज अम्बाला में 3 जिलों की 10 विधानसभा सीटों के प्रमुख एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे। बैठक से पूर्व नड्डा अम्बाला शहर के सेक्टर 7 में शहीद मेजर अमित आहूजा के निवास पर पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने शहीद की मां के पैर छूकर उन्हें नमन किया और फिर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नड्डा ने शहीद की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए शहीदों की शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। नड्डा ने शहीद मेजर अमित आहूजा की वीर गाथा दोहराते हुए कहा कि अमित आहूजा जैसे शहीदों को शहादत, दिलेरी और जिंदा दली के कारण ही आज हम सुकून की नींद सो पाते हैं, क्योंकि ऐसे वीर ही हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र बनकर आगे बढ़ेगा, जो शक्तिशाली, समृद्ध और श्रेष्ठ भारत बनेगा। शहीद अमित आहूजा जी के निवास स्थान पे आने का मौका मिला, पूज्य माता जी के दर्शन करने का मौका मिला, शहीद अमित जी के भाई अतुल आहूजा जी से मिलने का मौका मिला, उनके परिवार के सभी सदस्यों से, बहन जी से, भाभी जी से, सबसे मिलने का मौका मिला। सच में अमित जी ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उनकी शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और जिस तरीके से वो गुरेज सेक्टर में आतंकवादी और दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और देश की रक्षा की, ऐसे उनकी शहादत हमेशा हमें याद रहेगी। और ऐसे ही वीर सपूतों की शहादत और उनकी बहादुरी, जिंदा दिली, दिलेरी, उसके कारण ही हम सुकून की चैन सो पाते हैं और एक अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे वीर सपूत हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उनकी शहादत है, मैंने पहले भी कहा, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत।